आइए आप जरा एसपी साहब, ये बताइए कि एक जो बात आई है रिकॉर्ड पर कि ये समन या वारंट सर्व करने के क्रम में जो भी घटना घटी सुबह में, तो आपके पुलिस ऑफिसर ने उस समय क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च किया सुबह में? सर, जब घटना हुई सर तो टेलीफोनिकली सूचित किया एसएचओ ने, बाढ़ एसडीपीओ को भी, मुझे भी, एसएसपी साहब को भी सर। इसके बाद में जो सर्किल है, क्योंकि छोटा सा ओपी है सर, तो सुपरविजन सिस्टम में एक सीआई हाथीदा जो है, इंस्पेक्टर 94 बैच के इंस्पेक्टर है सर, तो उनको फिर जाँच के लिए वहाँ भेजा गया कि गंभीर घटना लग रही है, देख कर आइए क्या मामला है। इसलिए सर एफआईआर में डिले हुआ है, फिर जाकर एफआईआर जो है दोपहर में हुआ है सर। तो उन्होंने टेलीफोनिकली फिर बताया कि हाँ सर मैंने देखा है और ये घटना जो है सही तो है। आपके ऑफिसर ने कहा कि हमने दिन से पुलिस फोर्स को जमा किया, रात में घुसने की तैयारी की और 1 बजे रात में धावा बोला उसने इतने पुलिस ऑफिसर्स के साथ घर के अंदर घुस के, क्या जरूरत थी इसको रात को सर 1 बजे रात में इतने पुलिस फोर्स को लेकर के? कोई क्या टेररिस्ट के यहाँ अटैक कर रहे थे? क्या जरूरत थी रात को घेरने की, घर में घुसने की, जहाँ महिलाएं रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, सर वो आपके यहाँ दहशत फैलाने के लिए हैं? नॉट एट ऑल सर। देन व्हाई योर पुलिस चोज टू इंटर इन टू द मिड नाइट इन द रेसिडेंशियल हाउसेस वेन देर वॉज नो एफआईआर अगेंस्ट देम? आपने सुन ही लिया कि 107 का प्रोसीडिंग किस तरह से शुरू करवाया गया, सर सुन लिया ना आपने? सर तो आपकी पुलिस फोर्स को 1 बजे रात में गांव में मल्टीपल हाउसेस में इंटर करने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन से टेररिस्ट थे वहां, कौन से ऐसे गुनाहगार थे जिनके लिए रात को आपको घेरने की जरूरत थी? कोई है एक्सप्लेनेशन इसका? सर वो एफआईआर हुई थी तो उसी के एफआईआर रेफरेंस तो बहुत होते हैं आपके पास एसपी साहब, एफआईआर तो बहुत होते हैं, सर। सीरियस ऑफेंसेस के एफआईआर होते हैं। ये सब ऑफेंसेस क्या थे? कुछ नहीं थे, आपके ओपी में देख ही लिया आपने कि समन भी नहीं, प्रॉपर सर्विस हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एलिगेशंस है कि साहब पुलिस वाले उसी समन के आधार पर लोगों को और वारंट के आधार पर लोगों को धमका रहे थे, तो उसके वजह से कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और विरोध किया तो उसके ऊपर ये कार्रवाई हुई रात में, आधी रात को घुस गए आप लोग घर में। क्या आप किसी सभ्य समाज के आदमी हैं कि नहीं है? है ना? आपको क्या लगता है, आप तो बड़े ओहदे पर हैं, क्या इस तरह की घटना में रात को 1 बजे पुलिस को घर में घुसने की जरूरत होनी चाहिए? सर एसएचओ ने एक्सप्लेन किया कि जो पैरामिलिट्री बीएसएफ थी सर हाँ वो इलेक्शन पर्पस से दी गई थी, नियर हाँ बाई स्टेशन थी वहाँ पे, राइट, तो उसको इनपुट मिला कि जो कांड में अक्यूज्ड हैं वो घर पे हो सकते हैं। उसने सर रेड किया था, फिर हमें इंटीमेट किया कि ठीक है, सर मान तो लिया कि घर में हो सकते हैं, सर हमारा कहना है कि वो कांड कौन सा ऐसा कांड था जिसके लिए रात को 1 बजे आपको घुसने की जरूरत थी रेसिडेंशियल हाउस में? कोई ऐसा कांड होता, कोई ऐसी बात होती कि जिसके लिए बिल्कुल नैब करना है, कोई किसी के घर से ना आपको कोई आर्म मिला, ना कोई एक ठो जिंदा कारतूस मिला, तो आपका इनपुट क्या था? नहीं था, रात को 1 बजे रात में कौन सी ऐसी घटना थी जिसके लिए आप घुस गए? ये भी आपका नहीं है केस के यहाँ, कोई आपको ऐसा इनपुट था कि साहब काफी हथियार का जखीरा वहां रखा हुआ है गांव में, इतने लोगों के घर में इसके लिए रेड करने गए थे आप? और कोई कांड तो ऐसी थी नहीं, इस तरह का तो रोज आप लोग देखते हैं गांव में, छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात मेरे ख्याल से थी, अगर आप रूरल के एसपी हैं तो आपको गांव के समाज के हालत पता होनी चाहिए। सर इन माय हम्बल पर्सपेक्टिव ये छोटी बात नहीं थी सर। हाँ एक ऑन ड्यूटी एएसआई के साथ गांव में बदतमीजी की गई, हाँ जब वो थाने पर आकर एसएचओ को नैरेट किया, उसके सून आफ्टर सर मेरे पास वीडियो भी है सर, अगर प्ले करने के लिए परमिशन देंगे हम प्ले भी करना चाहें। बिल्कुल करेंगे, तो उसके बाद में सर वहाँ पे थाने, वहाँ पे ओपी पे लोग आए सर, वहाँ पर मैन हैंडलिंग वगैरह की गई थी सर। फिर एक सीआई साहब को जब हम लोगों ने भेजा सर, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ सर यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति है।
तो इसमें सर मुझे लगता है सर कि इलेक्शन 3-4 दिन तक आप सीनियर खत्म पुलिस नहीं करना ऑफिसर सर। थे जनाब, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर थे। अगर कोई ऐसी बात हुई थी कि गांव वालों का आक्रोश था, कि पुलिस, गांव वालों का कहना है कि पुलिस वाले आकर के धमका रहे थे कि साहब वारंट है, यह है वो है, आपने देख ही लिया किस तरह से एसडीएम साहब ने समन और वारंट कर दिया, चूंकि समय कम था इसलिए कानून की कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर गांव वालों ने ये आक्रोश किया और उसमें विरोध हुआ, तो आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी तो करनी चाहिए थी। उसमें गांव के 10 लोगों को समाज में, जो आपकी सिविल सोसाइटी है, वो किस चीज़ के लिए है? आप दुर्गा पूजा में मीटिंग करते हैं शांति सद्भाव बनाए रखने के लिए, आप क्या गांव में मीटिंग नहीं कर सकते हैं? 10 लोग को लेकर के आप गांव में बैठ करके चीजों को नहीं सुलझा सकते हैं? आप किस तरह के ऑफिसर हैं? आपने पुलिस फोर्स भेजा कि ठीक है दिन भर शांत रहो, रात को 1 बजे घुसना है घर में, ये कंडक्ट हो सकता है क्या बोनाफाइड? ठीक है उसको अरेस्ट कर लेते, आप दिन में अरेस्ट कर लेते, शाम को अरेस्ट कर लेते, नेक्स्ट डे फिर उसको अरेस्ट कर लेते, लेकिन रात को 1 बजे इतने घरों में, वो भी छठ का समय था, महिलाएं छठ पर्व कर रही थीं, तो इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप घर में क्यों घुसे रात को 1:30 बजे? एडमिटेड पोजीशन है कि आप रात को 1:30 बजे घुसे हैं? आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इस कंडक्ट को? मान लिया पुलिस के ऊपर आक्रोश था लोगों का आक्रोश हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसी घटना नहीं है कि अगर आक्रोश हुआ तो उसको सुलझाया नहीं जा सकता है। दे वर नॉट टेररिस्ट, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। सर एक का है सर, एक का है तो नहीं पकड़ा गया था। आप उसको पकड़ लेते, उसको अरेस्ट करके ले जाते। अगर एक का क्रिमिनल एंटीसीडेंट, आपके पास कोई वारंट था उसका, नहीं वारंट नहीं है सर, तब फिर आप क्या करते? भाई थाने पर जो अटैक है सर उसमें जो व्यक्ति था एक का हमने देखा है, एक का किसी का, वो चोरी वाला केस है, सर, एक जो चोरी व्यक्ति वाला केस है, दूसरे पुलिस स्टेशन का, सर सर बरौनी का है सर, बरौनी का है, तो आप तो कानून जानते हैं कि दूसरे पुलिस स्टेशन का केस है, अगर उस केस में उसका अरेस्ट वारंट होता, वो अरेस्ट वारंट वहां से इंडोर्स होकर के कोर्ट से पुलिस ऑफिसर आता आपके यहाँ उस थाना में, वहां से आप डेप्यूट करते किसी को, उसके अरेस्ट की कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका भी कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं था। सर एक सबमिशन है सर कि ये जो 107 की प्रोसीडिंग की जो एस्पेक्ट सामने आए हैं सर उस समय तक ये नहीं थे सामने में सर। दूसरा कि जो हम लोगों की जो भी रेड एक चीज बताइए, सर क्यों नहीं थे उस समय तक आपके सामने? आप और एसडीएम साहब, आप ही दोनों पर जिम्मेवारी थी ना कानून को समझने की, एसडीपीओ है लोकली वहां पे सर, एसडीपीओ बार एसडीएम बार जो भी है, सर तो एसडीपीओ बार या एसडीएम बार, सर इन्हीं की जिम्मेवारी है ना सेक्शन 107 सीआरपीसी पढ़ने की। सर अगर इन्होंने नहीं पढ़ा और गलत कार्रवाई की, तो ये एस्पेक्ट क्यों नहीं समझ में आया तब तक लोगों को? क्यों इसके लिए हाईकोर्ट आना पड़ा लोगों को, और ये जो समय हम लोग लगा रहे हैं इसमें, यहां सेक्शन पढ़वा रहे हैं, आपके एसडीएम साहब ने एडमिट किया ना अभी, इसके पहले नहीं पढ़ा था कभी, तो क्या अनफॉर्चुनेट चीज है कि जिस ऑफिसर को 107 प्रोसीडिंग इनिशिएट करना है उसने कभी 107 पढ़ा ही नहीं है? क्या कानून का राज है? देखिए ऐसा कहीं हो सकता है? नैतिकता के तौर पर कानूनन तो छोड़ दीजिए, ही इज इनकैपेसिटेटेड टू रिमेन एसडीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और द प्लेस सब डिवीजन। जो व्यक्ति कहे कि हमने पढ़ा ही नहीं है आज तक प्रोविजन को, उसको क्या अधिकार है उस पद पर रहने का? और आप कहते हैं कि आपके ख्याल से बहुत बड़ी चीज थी, थाने पे अटैक हुआ था बहुत बड़ी चीज थी, आपका एफआईआर सामने है, आपके एफआईआर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रामीण वहां कोई हथियार के साथ था, लाठी के साथ है सर।
सुन लीजिए जरा सर, कुछ नहीं कहता है कि किसी ने एक लाठी भी चलाया आपके पुलिस ऑफिसर के ऊपर? सर एक बार वीडियो देख लिया जाएगा, मेरे पास पेन ड्राइव है। हाँ देख लेते हैं, देख लेते हैं। और FIR तो सामने है ना सर, FIR जरा निकालिए ना। लेट अस टॉक टू दी 26 मैनर्स 23 26 पढ़िए सर। सेवा दीपक में कुमार पढ़िए आप। महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद बिहारी सिंह वर्तमान में समयगढ़ ओपी में पदस्थापित हूँ। आज दिनांक 28/10/22 को समय करीब 8:15 बजे महाल चौकीदार 12/7 रामबालक पासवान एवं जिला बल के सिपाही 3607 मिथिलेश कुमार, सिपाही 4178 अरशद अयूब अंसारी के साथ बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 के अंतर्गत धारा 107 दंड संहिता का अनुमंडल पदाधिकारी बाढ़ के न्यायालय से निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अभियुक्त छोटू कुमार उम्र 40 वर्ष पिता सुरेंद्र सिंह साकिन सामियागढ़ थाना घोसवारी सामियागढ़ ओपी जिला पटना के घर गए थे। वहां उपस्थित स्थानीय ग्रामीण दीपक सिंह उम्र 45 वर्ष, संतोष सिंह उम्र 40 वर्ष, दोनों पिता राम प्रवेश सिंह, हर्ष कुमार सिंह, सूरज सिंह उम्र 24 वर्ष, दोनों पिता मोती सिंह, छोटू कुमार उम्र 40 वर्ष पिता सुरेंद्र सिंह, सभी साकिनार सामियागढ़ थाना घोसवारी सामियागढ़ ओपी जिला पटना एक राय होकर मेरे साथ गाली गलौज करते हुए लपड़ थप्पड़ एवं फैट मुक्का से मारपीट करते हुए दीपक कुमार एवं संतोष कुमार दोनों पिता राम प्रवेश सिंह जान मारने की नीयत से मेरा गला दबाने लगा, जिससे कुछ देर के लिए मेरा सांस रुक गया। तब साथ के बल के सहयोग से मुझे बचाया गया तो हम लोग अपना जान बचाकर वापस ओपी आए तो उप सभी लोग एवं उनके सहयोगी में चिक्कू सिंह और संजीव कुमार पिता स्वर्गीय कृष्ण बिहारी सिंह, अजीत कुमार सिंह पिता मुनेश्वर प्रसाद सिंह, बाल गोविंद सिंह पिता विपिन कुमार सिंह, मनीष कुमार पिता कमलेश कुमार और शिशु सिंह, सभी साकिनान सामियागढ़, सोनू सिंह पिता स्वर्गीय साचो सिंह और सचिनान सिंह साकिन सिरसी अभी थाना घोसवारी सामियागढ़ ओपी जिला पटना एवं स्थानीय एक ही जाति के 30-35 अज्ञात। देखिए जरा क्या भाषा है आपके इन्फॉर्मेंट का, अज्ञात स्थानीय एक ही जाति के हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी आए और गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। उक्त लोगों को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बल कल कम रहने के कारण उक्त सभी व्यक्ति धमकी देते हुए भाग गए। भाग गए, धमकी देते हुए भाग गए। जिनको ओपी में लगे सीसीटीवी फुटेज एवं स्थानीय लोग एवं चौकीदार के माध्यम से पहचान किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके FIR से ही कि पुलिस स्टेशन में कोई घटना नहीं घटी। फिर से पढ़ लीजिए सर। हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी आए आए और गाली गलौज एवं रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए। ठीक है, ओपी पड़ी तो घटित हुई सर। अभद्र व्यवहार किए, अभद्र व्यवहार किए, कोई वहां पर कोई लाठी चलाने की बात, वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना। अभी प्राइम ऑफिसर FIR पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट मेकिंग एनी ओपिनियन ऑन इट। अभद्र व्यवहार, अभद्र व्यवहार तो ऐसा भाषा है कि जो कहीं भी कुछ थोड़ा बोल दिया तो कह सकते हैं कि साहब बड़ा अभद्र तरीके से बोल रहा है। तो गांव में अगर गांव की भाषा में अगर आप बात करें तो बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अभद्र लगेगा, लेकिन वहां पर कोई भी ओपी पर मारपीट की बात नहीं हो रही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, कहीं ये नहीं हो रही कि कोई व्यक्ति लाठी के साथ लैस थे। कोई रुक जाइए जरा सा, सुन लीजिए पहले FIR के सामने, वो बाद में बात सर। ये जो चीज है FIR में क्या कर रहे हैं, किसी के हाथ में न कोई लाठी है सर, न कोई हथियार है सर, न कोई लाठी चला रहा है सर। ठीक है, ये कहते हैं कि भाग गए वो लोग।
तो आपका कम बल रहने के कारण भी आप पकड़ नहीं सके, लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए वहां से, ठीक है ना सर? और इसकी भाषा जरा देखा है आपने, स्थानीय एक ही जाति के, क्या जरूरत थी ये लिखने की? ये सर ये मिस्टेक है सर, मिस्टेक नहीं है, नहीं लिखा जाना चाहिए, मिस्टेक नहीं है ये। दैट शोज द बेंड ऑफ माइंड ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग द एफआईआर, दैट शोज द बेंड ऑफ माइंड। उसका दिमागी हालात क्या था और किन हालात में वो ये एफआईआर लॉन्च कर रहा था, अब जरा सा मुझे ये बताइए कि 8:15 की ये घटना है सुबह की, आपके मोबाइल पर कोई इंफॉर्मेशन है इसके रिस्पेक्ट में? कॉल आया था सर, कॉल आया था, कॉल आया था सर। कितने बजे कॉल आया था जी? याद नहीं है सर, सुबह ही कॉल आया था। याद नहीं है ना? कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है? नहीं सर। कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है? नहीं सर, कॉल आया, नॉर्मल कॉल आया था सर। कोई मेल नहीं है? नहीं सर, मेल नहीं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए एसपी साहब कि जब इतनी बड़ी घटना आप इसको मान रहे हैं सर, मैंने जिसके लिए रात को 1 बजे घर में घुसना हो किसी के, तो क्या पुलिस फोर्स भेजने के पहले आपको ये राइटिंग में कुछ पोजीशन भी नहीं मांगेंगे, क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ? सबमिशन है सर। हाँ सर, मैंने ये नहीं कहा कि बहुत बड़ी घटना थी, मैंने कहा सर ये छोटी घटना नहीं थी, थाने पर अटैक हुआ था सर, बहुत बड़ी घटना। मैंने वर्ड थाने पर कहाँ अटैक आप दिखा रहे हैं कि थाने पर अटैक हुआ था? आपका एफआईआर तो नहीं कह रहा है कि थाने पर अटैक हुआ था सर? एफआईआर में ओपी आए और वहां पे व्यवहार किया, और जो फुटेज है सर वो थाने पर अटैक इसी को कहते हैं क्या? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं, थाने पर अटैक इसी को कहते हैं क्या? ये आप वर्ड्स इसमें कहां से डालेंगे सर? ये इसमें जो चीज नहीं लिखा हुआ है उसको कैसे आप कहेंगे कि थाने पर अटैक किया? जो कंप्लेनेंट है सर वो एएसआई है, सिपाही से प्रमोटर के अफसर बने हैं सर। तो और जो उनको समझ में आया सर उस समय, ये उस समय ड्राफ्ट मैंने देख के नहीं कराया, ठीक है, आवेदन दिया सर। ठीक है, मान लिया, मान लिया आपके यहाँ सब सिपाही से ही प्रमोट होकर के आते हैं सर, ये आपका काम है, उसमें आप जानिए क्या करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि थाने पर अटैक हुआ सर, तो आप जबरदस्ती बना देंगे क्या कि थाने पर अटैक हुआ? ये लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं सर, हम लोगों को पीछा करते हुए ओपी पर आए और गाली गलौज रंगदारी करते हुए अभद्र व्यवहार किए सर। अटैक का मतलब क्या होता है? ये घटना जो है एक ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ गांव में सर, और उसके बाद लोग पीछे से आए और ऐसे हमारे साथ गाली गलौज किए और फिर वो लोग भाग भी गए सर। तो इसकी सत्यता तो जांच होगी बाद में यस सर। लेकिन अटैक हुआ थाना पर, ये कैसे आप अटैक ऐसे ही होता है क्या? सर वर्ड यूज नहीं है इसमें। तब सर तो क्यों आप रीड करने लगते हैं जो चीज वर्ड नहीं है? और दूसरा, आपको कोई सूचना नहीं है राइटिंग में, आपको इसके विषय में कोई सूचना नहीं है, एफआईआर क्यों नहीं हुआ उस समय? सर मैंने सीआई जो हाथीदा गए थे सर, हाँ तो भेजा गया था कि वहां पे चूंकि सब इंस्पेक्टर का ओपी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर है सर, तो एज ए लेयर की भाई एक बार जाकर। आपके पास कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट है एसपी साहब इस घटना के बारे में? सर मैं रिवर्ट बैक करूंगा, मुझे पूछना, मेरे पास नहीं है। आपके पास, आपके पास नहीं है, अब आप रिवर्ट बैक क्या करेंगे? आज भी आपके काउंटर एफिडेविट में कहीं कुछ नहीं है सर। है मिस्टर दीपक कुमार? नहीं, हम लोग तो हम लोग सीधे कह दिए हैं कि अब इसको हुजूर का था कि इसको सीआईडी को पूछे। सीआईडी को तो ठीक है, सीआईडी तो आप एग्री कर गए हैं, उसको हम भेज दे रहे हैं, इसलिए अब मेरिट पे हुजूर जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरिट पे कुछ नहीं। हम इनको जरा ये पूछ रहे हैं कि इस तरह का कंडक्ट पुलिस ने क्यों किया? अगर मान लीजिए ठीक है, आप कहते हैं कि बड़ी घटना नहीं, छोटी घटना नहीं थी, ये लोग गए थे, तो आपकी ये जिम्मेवारी थी कि नहीं वहाँ आप सिविल सोसाइटी के साथ बैठ करके इसको आप निपटाते? सर जो वन ऑफ दी इसमें जो एक्यूज्ड है वो सरपंच के पति हैं सर। मुझे मतलब नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, न मैं जानना चाहता हूँ कौन किसके पति हैं। नहीं सर, सर इसमें सर जो वहाँ की सिचुएशन जो एससीआई साहब ने एसएचओ साहब ने बताई थी कि गाँव में काफी टेंशन है और थाने पर इस तरह से उन्होंने किया था सर, तो फिर एफआईआर दर्ज हो के गांव में टेंशन हुआ है, अगर ऐसा रिपोर्ट था आपको सर, तो आप वहां डिप्यूट करते ना, एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग करते। आपने इतना मतलब योर एक्शन इज नॉट एट ऑल कॉमेंसुरेट टू व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय यू। एसडीएम साहब ने गलत ऑर्डर किया, एक गलत स्रोत ही पैदा हुआ,
और वहां से लेकर के आपने उसको इतनी बड़ी घटना में परिणति दे दी उसकी। यस बोलिए, सीआईडी को भेज देते हैं इसको। जी अमेलर्ट्स, वी हैव मेड हिम पार्टी बाय नेम फॉर द रीजन स्पेलर्ट mentioned in paragraph 24 of my writ petition. It was he who had instructed your lordship ki 30-35 aadmi naam dal diya jaye. Or lords, this has been said by the informant to somebody. We have got that audio recording. I sir deny this sir. I deny sir. Is tarah hum log kabhi nahi bolte hain sir. Jo ghatna hoti hai agar tarah aapne kya kiya hai ye dikh raha hai mujhe sir. Aapne jo bhi kiya hai wo dikh raha hai कि आपने एसडीएम ने कानून को अलग रख करके समन एंड वारंट कर दिया, प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दिया, आपके पुलिस ऑफिसर ने जाति के नाम पर जो है एफआईआर कर दिया लिख करके, और आपने उसे पुलिस मुहैया कराया रात को 1 बजे घर में घुस करके लोगों को अरेस्ट करने के लिए। सर वो लोकली वही स्टेशन थे सर, मैंने कहीं से नहीं भेजा था सर, वो एसएचओ ने रिक्विजिशन करके रेड कराई थी सर। रिक्विजिशन हुआ था ना, लाइन से नहीं भेजा था सर। ठीक है, रिक्विजिशन हुआ था ना, बुलाया था एसएचओ ने सर उनको, बुलाया था एसएचओ ने, बुलाया था सर। अब वो एसएचओ ने बिना आपसे परमिशन का बुलाया था सर, रेड के बाद में इंटीमेट किया, हमने कहा था कि सर इसमें एफआईआर करिए। एक मिनट, रेड के बाद इंटीमेट किया आपको? उसके पहले सर, जब ये इसका मतलब है कि रेड करने के पहले आपसे आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं सर, दिन की बात है सर, मैं सबमिट करना चाहूंगा। हाँ। दिन की बात है जब सीआई साहब ने बताया कि हाँ सर घटना सही है, तो हमने यही कहा कि ठीक है इस पर एफआईआर दर्ज कराइए, जो फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें किया जाएगा। ठीक है सर, ये बात हुई थी। हमने सर पार्टिकुलरली बीएसएफ को बुलाना या लाइन से फोर्स देना या इतने बजे जाके रेड करो जैसा सर हमको कह रहे हैं सर, ऐसा हम का मतलब है कि रेड की कार्रवाई के लिए आपने नहीं दिया था ना? नहीं, मैंने परमिशन से दिया है सर, मैंने अपनी तरफ से। तो रेड की कार्रवाई की परमिशन आपसे नहीं ली गई थी? हमसे पूछ के रेड नहीं किया गया कि रेड करना है। ठीक है, वही तो हम कह रहे हैं आपसे बार बार सर। तो आपके एसएचओ ने सर खुद ही डिसाइड कर लिया कि हमको रात को रेड करना है? दिन में सर सबमिट से ना, ये है कि जब ये घटना जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो हमने कहा था कि ठीक है जो भी इसमें फर्दर नेसेसरी एक्शन है इसमें लीजिएगा। वेरी गुड। और इसमें मैंने ये कहा था कि आपको अगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मेरा था सर कि आपको अगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो आप एसडीपीओ लेवल पे, क्योंकि बाढ़ में सर ग्रामीण इलाका है, टाल टाइप के एरिया में है, हमने कहा था फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो लोकल एसडीपीओ साहब या हमसे आप कह दीजिएगा, लाइन से भिजवाना होगा तो भिजवाएंगे, नहीं तो नियर बाई बीएसएफ है उनसे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह सर हम लोग उस इस तरह से बात हुई सर। तो फिर बात वहीं अटक गई, फिर मैं आपको क्लैरिटी के लिए बोल रहा हूँ, आपसे कोई बात नहीं हुई एसएचओ की कि साहब हम घर में रेड करेंगे रात को 1 बजे रेड करेंगे? सर इस तरह नहीं सर, इस तरह की कोई बात नहीं, स्पेसिफिक नहीं बात हुई कितने बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो रेड किया गया रात को मिडनाइट, इट वॉज विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द एसपी रूलर? रात के रेट की सर ऐसी जानकारी नहीं ली, सीधा हाँ या ना बोलिए ना। नहीं इस तरह। सो इट वाज डन विदाउट योर परमिशन? इट वाज डन, द रेट वाज कंडक्टेड इन द हाउस इन द मिडनाइट विदाउट योर परमिशन? मिडनाइट में परमिशन हमने दिए थे सर। ठीक, एसएचओ का हुआ, अपीयर किया है, फाइल कर दिया काउंटर? जी जी, हु इज अपीयरिंग फॉर द एसएचओ? And Mr. Sudhir, yes. I am appearing for the informant, your lordship. All right. You argue your matter. ठीक है। आपका स्टेटमेंट मैं रिकॉर्ड करूंगा। I am going to pass final order today. Yes, बोलिए। I would like to. Yeah. ये देखा जाएगा क्या? हाँ देखेंगे, उसको भी देखेंगे। We have also got the audio recording by which informant has said that SP rural he had said कि 30-35 आदमी का नाम डाल दीजिए। ठीक, आप भी लाए हैं। In other audio your lordship, आप भी लाए हैं ना? जी ठीक, बोलिए। हुजूर इसमें हमको तो लास्ट ही वीक मिला था, हमने डॉक्यूमेंट मांगा था, लेकिन मेरा सबमिशन है हुजूर, हमने हम वारंट सर्व कराने आपको क्या एफिडेविट फाइल करना है? जी जी हुजूर, आई बोलिए ना कि हमको टाइम चाहिए। जी थोड़ा सा टाइम, क्योंकि एक्चुअली ही इज नॉट वेल। ठीक, लाइए अब जरा सा देखें इनका। लैपटॉप लाइए, लिखिए तब तक।
मेलट्स एसडीएम साहब हैव साउथ एपोलॉजी और वन केस मतलब बोथ केसेस में भी ट्रांसफर सो दैट यू मैंने उनको माफ किया है आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग बट इन फ्यूचर ही शुड बी वेरी केयरफुल जी जी यस साउथ एपोलॉजी वी हैव सॉट एपोलॉजी देयरफॉर आई एम नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम ही लुक्स अभी उम्र उनकी कम लग रही है मुझे थोड़ा और आगे इनको जिंदगी में जाना है कल लगता है तो मैं इनको यूपीएससी और बीपीएससी को लिखने वाला था ऐसा होगा अगर तो क्या होगा आप समझिए कि जो जिस ऑफिसर को जो पावर एक्सरसाइज करना है वो पढ़ ही नहीं रहा है उस सेक्शन को इसी तरह लास्ट डे भी जो आईओ था जो ऑफिसर इंचार्ज था ही मिसलेड अस ऑन द अरेस्ट मेमो पे इवन ही मिसलेड एट दैट टाइम द रूरल एसपी द इंचार्ज रूरल एसपी वो बार बार कह रहे थे कि नहीं है तुम्हारे पास बोला था नहीं है तो आप समझिए ना क्या स्थिति हो गई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉ क्योंकि वो कहीं से दिखाने में नहीं था कि दैट वाज सेंट टू द कोर्ट उसमें हमारे पास रिपोर्ट है ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जी 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 इसलिए वहां पर तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट है हमारे पास ये लोग कानून को समझ ही नहीं रहे पढ़ते ही नहीं है कानून कभी देखते ही नहीं जजमेंट्स को व्हाट्स योर नेम मिस्टर एसपी सर विनीत कुमार सर When did you join there? Sir, 17 batch, sir, 17 batch. कब वहाँ कब join किया? 17 जुलाई 2021 सर. 17 जुलाई 21 सर. Rural SP. हाँ सी 17. आप इसी तरह लोगों पर सम्मन करवाते रहते हैं? 107 कराते हैं इलेक्शन आ गया तो मेरे कार्यालय से नहीं जाता है सर मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं आती है थाना और एसडीएम साहब के बीच में होता है वहाँ पे सीआई साहब एसडीपीओ साहब उसको फॉरवर्ड करते हैं सर मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है 107 को लेके सर मेरे यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट कीपिंग भी नहीं है इसकी सर टोटली बिटवीन एसडीएम साहब के कोर्ट से थाना प्रभारी और दो जो ऑफिसर हैं सर सर्कल इंस्पेक्टर और एसडीपीओ वे उसको अपना फॉरवर्ड करते हैं सर देखा भी जाएगा 107 के प्रपोजल को सर तो इन्हीं के सिग्नेचर और पर्सनली सर हमें पार्टी बनाए इसका मेरा पर्सनली सर इसमें जो है किसी भी 107 को इनिशिएट करवाने में ऐसा सर मेरी कहीं कोई भूमिका इसमें नहीं है सर ठीक yeah.